अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक तया जल जलाल वल इकराम अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك على وعوب بذنبي فاغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت يا رب العالمين दुआए अमल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फरिजना बिदुखूनी कब्री वख्तिम लना बिलखैरी वज़फ़िर वग़फिर लना वली वालिदैना वली जमील मोमिनीना वल मोमिनाति बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिही अजमाईन। बेशक अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम जो काम खुद करो, जो बात तुम खुद करो और वो किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दो या कह दो, तो तुमने अपने साथ दुश्मनी की। मतलब कि सारी ज़िंदगी अगर इंसान इबादत करे पूरी ज़िंदगी मरते दम तक, तो इस इबादत का अजर उसको मिलता रहेगा जिस पर तुमने इल्ज़ाम लगाया, जो गुनाह तुमने किया और तुमने दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया, तो ये सारा अज़ाब उसके गुनाहों की सज़ा इल्ज़ाम लगाने वाले पर, और जिस पर इल्ज़ाम लगाया वो मज़लूम हो गया और उसकी दुआ अल्लाह ताला अर्श अल्लाह ताला का अर्श ला देती है, वो मज़लूमों में आ गया। तो कभी ऐसा ना करें कि हम खुद कोई गुनाह करें या कोई बात करें और किसी दूसरे का नाम लगा के खुद बरी ज़िम्मा हो जाएं। कभी इस तरह करने से तौबा करें, ये मैंने बहुत अच्छी इस्तग़फ़ार बताई है आपको, तौबा इस्तग़फ़ार अल्लाह से करें और डरें अल्लाह के अज़ाब से। डरना चाहिए अल्लाह के अज़ाब से, बड़ा सख्त है। अगर कोई शक है कि अल्लाह का अज़ाब नहीं आता, तो माचिस की तीली को सुलगा के उसे बुझा दे, बुझा के अपने हाथ पर रख के चेक कर लें कि ये दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ताला का कैसा है, जहन्नम की आग कैसी होगी। कि एक बुझी हुई तीली से इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो जो भड़कती हुई आग में डाला जाएगा तो वो कैसा होगा। दुनिया के थोड़े से सुकून के लिए, थोड़े से मज़े के लिए कि आपको लोग अच्छा कहें और फलाने ये जिस पे इल्ज़ाम लगाया उसको लोग बुरा कहें, लेकिन अल्लाह के हुक्म से बुरा नहीं कहा जाता। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत दिलों में डाल देते हैं क्योंकि वो मज़लूम है, उसने दुआ की अल्लाह ताला की बारगाह में, तो अल्लाह के हुक्म से उसकी दुआ कबूल होती है क्योंकि वो मज़लूमों में आ गया। जलील फिर इल्ज़ाम लगाने वाला होगा, किसी ना किसी वक्त वो ज़रूर जलील होगा जिसने झूठा बहतान लगाया, इल्ज़ाम लगाया। तो डरना चाहिए अल्लाह से कि किसी पे इल्ज़ाम ना लगाया जाए। लिहाजा माफ़ करने वाला बदला लेने वाले से ज़्यादा बेहतर है। और ये नहीं कि इंसान माफ़ कर दे तो फिर अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन फिर भी मज़लूम की आह तो पहुंच जाती है ना। मज़लूम की आह से बचें, मज़लूम की आह से डरें। डरना चाहिए हम सबको मज़लूम की आह से। अगर वो कुछ नहीं कह रहा, वो खामोश हो गया, तो समझ लें कि उसकी आह ज़ाया नहीं जाएगी, वो लग जाएगी। इल्ज़ाम ना लगाएं, तौबा करें अल्लाह ताला से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इंसान इंसान को माफ़ करता है कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कोई भी जहन्नम में ना जाए, लेकिन फिर भी ये देख लें कि आह लग जाती है, आह लग जाती है। डरो मज़लूम की आह से। मेरे साथ मिल के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनत वफिल आखिरति हसनत वक़िना अज़ाबन्नार। इतना प्यारा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हम उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती पर झूठे बहतान लगाएं, झूठे इल्ज़ाम लगाएं, जो बातें हम खुद करते हैं और हम दूसरों पर डाल दें कि खुद अच्छे बन जाएं और दूसरों को बुरा करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई किसी को, जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो तो किसी के दिल में बुराई नहीं आती। इंसान का दिल खुद अंदर से बोलता है कि हक सच कौन है, मज़लूम की तरफ गवाही देता है कि नहीं ये बंदा मज़लूम है, इस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, खुद से दिल में बुराई नहीं आती और अल्लाह ताला उस बंदे के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा करते हैं। और बेशक इज़्ज़त देने वाला अल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रोज़ी ना रखी होती तो बंदा तो बंदे को भूखा मार दे कि इसको तो खाना ना दें, इसको ये ना दें, इसको वो ना दें, बंद कर दे उसका सारा कुछ, उसका सांस लेना मुश्किल कर दे। लेकिन अल्लाह ताला ने ये सब कुछ अपने हाथ में रखा। बेशक अल्लाह बहुत प्यार करता है अपने बंदों से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का महबूब, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बंदों के लिए, हम खाकसार गुनाहगार बंदों के लिए दुनिया में भेजा अपने प्यारे हबीब को कि जाइए इनको इज्जत दीजिए, जाइए इनको सीधे रास्ते पे चलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इज्जत दी दुनिया में आके, और हम फिर ऐसी हरकतें करें औरतें, जब अल्लाह ताला ने इज्जत दी है तो हम इस तरह की हरकतें करनी हमें जेब नहीं देती। हमें अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, डरें अल्लाह के अजाब से, हम सबको डरना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के लिए अदब अदब के साथ हाज़िरी करने की तौफीक अता फ़रमाए, रज़ा रसूल दिखाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरी बातों को महसूस कीजिए और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए कि देखें बहतान लगाने वाला फिर भी आपका राज रख रहा है, तो शर्म कीजिए कि क्यों इल्ज़ाम लगाएं किसी पे कि वो जो फिर भी आपका राज रख रहा है उसने फिर भी आपका राज नहीं खोलता कि जो जिस पे आप बहतान लगाते, और उसने सब्र किया, एक तो उसे सब्र का अजर मिला, ऊपर से मजलूमी में वो आ गया, ऊपर से फिर अल्लाह ताला की सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत में शामिल हो गया। देखे उस पर कितनी मेहरबानी होगी, आप तो ज़रिया बन गए ना उसके लिए जन्नत का, जिस पे बहतान लगाते हैं उस पे तो हम ज़रिया बन गए ना जन्नत का कि बहतान लगाया और उसको जन्नत में भेज दिया और ख़ुद जहन्नम में चले गए।